मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, दिव्य करुणा बरसा मुझ पापी पर। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर मुझ पर दया करो। अपनी जान दिया, जब मैं पापी था तूने क्रूस पर अपनी जान दिया। फिर भी तेरे प्यार को भूल कर मैंने गलती पर गलती। मुझ पर दया करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नवेने का सातवां दिन, मुख्य उद्देश्य है दिव्य दया की आराधना। वर्तमान
करने वालों को की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु ने संत फोस्टिना से कहा, आज उन सब आत्माओं को मेरे पास लाओ जो विशेष रूप से मेरे अनुग्रह की उपासना व महिमा करते हैं। उन्हें मेरी दया के सागर में डुबाओ। ये आत्माएं मेरी पीड़ा सहती हैं, ये आत्माएं मेरी जीवित प्रतिमाएं हैं, ये आत्माएं दूसरे जीवन में अधिक चमक दिखलाएगी। इनमें से एक भी नरक की अग्नि में नहीं जाएगी। मैं मृत्यु के समय व्यक्तिगत रूप से इन आत्माओं की रक्षा करूंगा। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं आज हमारे चिंतन के लिए। प्रभु कहते हैं, ये आत्माएं जो दिव्य दया की आराधना वर्तमान में करते हैं, जो जीवन में निरंतरता से करते हैं, ये मेरी जीवित प्रतिमाएं हैं। They are my living icons and statues and living apostles in today's world. मैं स्वयं देखा और मैं मिला हूं उन लोगों को जो साक्ष्य देते हैं, उत्साह के साथ साक्ष्य देते हैं, किस प्रकार निरंतरता से डिवाइन मर्सी चैपलेट रोजाना करते हैं और परिणाम स्वरूप किस प्रकार उनके परिवार पर और उनके जीवन को सुरक्षित रखते हुए प्रभु अपनी उपस्थिति का चंगाई का प्रमाण देते हैं। आज वर्तमान युग में ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है ये प्रभु का ये चेहरा, मर्सीफुल गॉड, एंग्री गॉड नहीं, लविंग गॉड, कंपैशनेट गॉड, मर्सीफुल गॉड। और इसका जीवित बकान करने वाले वे लोग हैं जो डिवाइन मर्सी के उपस्थिति में करुणामय जीवन में विश्वास करते हुए अपने जीवन में लागू करते हैं। इसयास नबी के ग्रंथ में अध्याय 43 में वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं इसराइल का परम पावन उद्धारक हूं, मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथियोपिया और सबा दे दिया, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तो दया में विश्वास करते हैं, दया का निरंतरता से अपने जीवन में उतारते हैं, वे ही लोग हैं प्रभु का चलते फिरते मूर्तियां, उनके दया का बकान करते हैं ये लोग। और प्रभु चाहते हैं कि ये लोग के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करें। यीशु कहते हैं, सिस्टर फोस्टिना अपने डायरी में लिखी है, मेरे पास भरोसे के साथ आकर इसे कृपाओं को खूब ले लो, सबको बताइए कि मैं प्रेम और दया हूं, सबको भरोसे के लिए प्रोत्साहन कीजिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी भलाई पर पूरा भरोसा रखना। और सिस्टर फोस्टिना से प्रभु कहते हैं, संपूर्ण संसार को विशेषकर मरने वालों एवं निराशा में डूबे लोगों को ईश्वरीय दया, प्रेम और जीवन से भरने के लिए प्रभु यीशु द्वारा निर्धारित प्रार्थना लगातार चढ़ाई जाए।
ये चुने हुए लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। दया सागर में दया का अनुभव किए लोगों का विशेष कर्तव्य है कि हम इसका बखान करें। वी ऑल बिकम अपोसल्स ऑफ डिवाइन मर्सी। आज के युग में जब लोग दिल से टूटे हैं, मन से हताश हैं, जीवन के परेशानियों से ग्रसित हैं, विषम परिस्थितियों से गुजरते समय जीने की तमन्ना छोड़ देते हैं, इन लोगों के बीच में डिवाइन मर्सी अपोसल्स विल बिकम ए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, गाइडिंग लाइट एंड लाइट हाउस फॉर हिज इटर्नल प्रेजेंस एंड लव। योशुआ के ग्रंथ में अध्याय 1 में वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, डिड आई नॉट कमांड यू, क्या मैंने तुमको आदेश नहीं दिया है, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज, डू नॉट बी फ्राइटेंड और डिसमेड, बिकॉज द लॉर्ड गॉड विल गो वेर एवर यू गो। यह है डिवाइन मर्सी अपोसल्स का काम। जाओ, कभी डरना मत, डरे हुए लोगों को ढारस लो। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 13 में वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, आई विल नेवर लीव यू और फॉरसेक यू। इसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 41 में वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू, आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन यू एंड आई विल हेल्प यू एंड आई विल सेव यू एंड आई विल अपहोल्ड यू विथ योर विक्टोरियस राइट हैंड। डिवाइन मर्सी अपोसल्स का यही काम है। प्रभु की महान उपस्थिति और दया सागर कितने शक्तिमान साधन है, इसमें आकर दया का अनुभव करने के लिए निरंतरता से हम दबे हुए बोझ से दबे हुए सब लोगों को लाए। आइए हम हांग बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे और समर्पण करेंगे। ये दयालु पिता ईश्वर, आपने अपने असीम दया और अनुकंपा दिखाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को दया सागर के रूप में हमारे बीच में भेजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रभु यीशु क्रिस्त के दयामय जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो डिवाइन मर्सी अपोसल्स के रूप में वर्तमान काल में आपका दया का बकान करते हैं। थ्रू एक्ट्स ऑफ मर्सी ये आपका दया का बकान करते हैं। एक एक जन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन सबों को आप विशेष आशीष दे प्रभु, नए आने के दिनों में शक्ति दे प्रभु, क्षमता दे प्रभु, चंगाई दे प्रभु, धीरज और हौसला दे प्रभु, ताकि वर्तमान काल में ये लोग सचमुच में आपका साक्ष्य बनकर दूसरों को जीवन दे, प्रोत्साहन दे, मार्गदर्शन दे, हौसला दे, हिम्मत दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें, हे अति दयालु यीशु, जिसका हृदय प्रेम का स्रोत है, इन आत्माओं को स्वीकार कीजिए जो आपकी अति दिव्य दया का उपासना व महिमा का वर्णन करते हैं। इन आत्माओं को स्वयं ईश्वर की शक्ति मिलती है, जो निरंतर परीक्षा व पीड़ा में तेरी करुणा पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं और आपसे जुड़े रहते हैं। इन्हें अपनी असीम दया का कवच प्रदान करें, जिससे वे तेरे वरदानों में दृढ़ प्रतिज्ञा, धैर्यवान व संयम भी बने रहे। आमीन। अभी हम सब दिल से, आत्मा और सच्चाई से डिवाइन मर्सी चैपलेट में भाग लेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। प्रेरितों का धर्म सार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुआरी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वर आपको चढ़ाते हैं।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। Bye.
दया नरक की अग्नि से हमारी रक्षा कर
भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया कठोर पापियों के मन परिवर्तन में उपस्थित, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया संतों की समझ से बाहर और स्वर्गदूतों के लिए विस्मयकारी, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया ईश्वर के सदस्यों में जिनकी कोई था नहीं, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया जिसमें हमें सब डूबे हुए हैं, आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दुखी दिल के लिए मीठी राहत, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया दिलों को विश्राम और डर के विचार, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया पवित्र आत्माओं की खुशी और उनके परम आनंद, भरोसा रखता हूँ। दिव्य दया आशा के खिलाफ प्रेरणादायक आशा, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे ईश्वर के सबसे बड़ी दया दिखाने हैं तू, दुनिया की मुक्ति क्रूस पर की, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो दयालु होकर हमारे लिए स्वयं को हर पवित्र मिसा में चढ़ाते हैं, हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के ईश्वर की दया उनके सारे काम में व्याप्त है। मैं सदा के लिए उनकी दया का गुण गाऊंगा। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर आपकी दया असीम और आपकी दया का स्रोत अक्षय है, दया पूर्वक हम पर दृष्टि डाल और हम में अपनी दया की वृद्धि कर, जिससे हम उन कठिन परीक्षाओं के बीच भी कभी निराशा में न पड़े, बल्कि सदैव आशा पूर्वक स्वयं को आपकी पवित्र इच्छा के साथ
एक कर सके, जो कि दया स्वरूप है। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो दयामय राजा है, जो आपके तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग हम पर दया करते हैं। आमीन। हम सब अपने निभाने को प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे समर्पण करते हुए एकमत होकर आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे। ये शाश्वत परमपिता, अपनी करुणामय दृष्टि उन आत्माओं पर डाल जो विशेष विनम्रता से आपकी अथाह दिव्य दया की महिमा व उपासना करते हैं, जो वचन एवं कर्म से आपकी महिमा व उपासना करते हैं। ये आत्माएं जीवित सुसमाचार है, जो अपने साथियों पर आपके समान दया दिखाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उन पर उनके भरोसे के अनुसार दया दृष्टि डाल, उनके हृदय को आनंद से भर दे, अपने वादे के अनुसार अपनी महिमा प्रकट कर व विशेष कर मृत्यु के क्षण में उनकी रक्षा कर। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Jesus, the ocean of mercy, fountain of all our life. Jesus, the savior of world, come with your mercy and love. Holy God, the mighty God, we trust your mercy. Holy God, the mighty God, we plead for your mercy. Jesus, your precious blood flowed out from your heart to all. Mighty, holy Redeemer, holy be your name. Holy God, the mighty God, we trust in your mercy. Holy God, the mighty God, we plead for your mercy. Bless us with your pardon and peace. Shield us with the Father's love. Bless us with your pardon and peace. Dispel all the clouds of darkness. Be the light all of our days, holy. The mighty God, we trust.